بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، باب الأضاحي. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أخرانين ويصمي ويكبر ويضع رجله على سفاحهما. अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बीहा करते थे, क़ुरबानी करते थे दो बकरों की, दो मेंढ़ों की, अखरानैनी कबशैनी, बोले तो दो कबशैनी. कबश उसे कहते हैं जो मेंढ़ी का मुज़क्कर होता है, यानी मेंढ़ी का नर, यानी मेंढ़ा. कबशैनी अखरानैनी सींग वाले होते थे. वो युसम्मी, और काटते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते थे अल्लाह का नाम से. उसके बाद वो युकब्बिरु बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलते थे. व यदाउ रिजलहू, और अपना पैर रखते थे अला सिफाहिहिमा. सिफाहिहिमा यानी गर्दन का, बाईं तरफ का गर्दन का हिस्सा, और उसके कल्ला, उसका जो है जबड़ा होता है, उसके हिस्सा ज़मीन पर टिका के उसको बाएँ हाथ बाएँ तरफ उसके ऊपर पैर रखते थे आप, ताकि जानवर हरकत ना करे काटते वक्त. क्योंकि जानवर आप मजबूत मोटा लेते थे और तगड़ा लेते थे, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए पैर रखते थे. फी हदीस अनस मशरूयतुल अधिया. नबी अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस जो है ना, इस बात की दलालत करती है कि अधिया जो है कुर्बानी मशरू है, यानी कुर्बानी का चलन, कुर्बानी ज़रूरी है. वो मशरूयत तस्मिया, और काटते वक्त, ज़ुबह करते वक्त बिस्मिल्लाह बोलना. व मशरूयत तकबीर, और अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई बयान करना. इन दबही, ज़ुबह करते वक्त. वल व इस्तेहबाबुल अधियती बिल कबाइश, और मुस्तहिब है कि मेंढे लेना, यानी अद्वान, अद्वान बोलते हैं अरबी में मेंढे. मेंढा जो है ना, मेंढी का, यानी मेंढा बोलते हैं उसको, वो मेंढे जिसके बाल गोल होते हैं, वो मुस्तहिब है. वही अधकूर मिन अद्वानी, वो जो है ना नर होता है मेंढी का. मा जवाज बिल इनाथ, और अगर किसी के पास मयसर नहीं है तो मेंढियाँ भी काट सकता है, यानी मोनस भी काट सकता है, मादा भी काट सकता है. वह इस्तेहबाबू अतहयती बिस समीनी व समीनी, और मुस्तहब है कुर्बानी सीन से समीन और सा से समीन. सीन से समीन बोले तो चर्बी वाले अच्छे समन, व समीन बोले तो ता से समीन जो होता है वो कीमती, महंगा, महंगा और चर्बी वाला मोटा तगड़ा ताज़ा अच्छा जो है ना जानवर लेते थे आप. व इस्तेहबाबू अत्तदहियती बिल अक्रनी, और दो सींग वाला, क्योंकि मेंढों में बगैर सींग के भी होते हैं तो सींग वाला बेहतर है. व इस्तेहबाबू तदहियती बिल अमलही, और मुस्तहब है कि अमलह होना. अमलह बोले तो यानी नमकीन बोलते नहीं, अमलह. कमाफी हदीस इंदल बुखारी अमलहैनी, बोले तो उसमें काला और सफ़ेदपन मिक्स, यानी एकदम वाइट को तो सफ़ेद बोलते, काले को तो अस्वद बोलते. अमलह बोले तो संवला बोलते नहीं, उसमें सफ़ेदपन ज़्यादा होना, कालापन थोड़ा होना, यानी चितकबरा. अमलहैनी वहुवल अबयदु वकीला हुआ अल्लदी बियादुहु लैसा बिनासाइन बल फीही कुदरतु, उसकी सफाई के अंदर, उसके सफ़ेदपन में जो है ना, एकदम सफ़ेदपन में रहना कुदरा बोले तो यानी चितकबरा. बाज़ बाज़ जगहों पे काले काले निशान, काले. तो ये खूबसूरती अल्लाह की राह में जानवर जो दे रहे हैं, उसको खूबसूरत, तगड़ा, अच्छा, कीमती और चर्बी वाला देना मकसूद है. अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ देना मकसूद है. व इस्तेहबाबू इज़्ज़ाइल गनमी अला जंबिहा अलअयसरी व ज़बहिहा, और ज़ुबाह करते वक्त जानवर को जो है ना बाएँ करवट पे लिटा देना. व इस्तेहबाबू वदअल रजुली, और मुस्तहब है कि अपना पैर अला सफ़हतिल कबशी, यानी उसकी गर्दन के हिस्से पे और उसके जबड़े के हिस्से को ज़मीन पर टिका के ऊपर से पैर रखना, पर कंट्रोल करने के लिए. वह हुआ सफ़हतुल उनुखी, उनुख यानी गर्दन के हिस्से को बोलते हैं सफ़ा.
व इस्तेहबाबु अत्तदहियती बिल्लदी फी खवाइमिही व बतनिही व मा हौल आइनैही सवादुन, और मुस्तहब है यानी ज़बीहा लेना, ऐसा ज़बीहा उसके चार पैरों में कालापन रहना यानी काले धब्बे रहते, देखिए वो बतनी ही और उसके सीने पे और उसके पेट के हिस्से पे नीचे नीचे कालापन, वमा हौलहू वमा हौल आइनैही सवादुन, और उसके आँख के अतराफ में भी आँख के जो हल्के होते हैं साइड में उसमें भी कालापन। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ये बहुत ही जमाल की अलामत है, यानी इस किस्म का बकरा आपको मिल जाएगा तो माशाल्लाह बहुत ही जमील होता है, खूबसूरत। वमा हौल आइनैही सवादुन लि हदीस आयशा अल आती यतऊ फी सवादिन व यबरुकु फी सवादिन व यंदुरु फी सवादिन, देखने में जो है ना उसके आँखों में साइड में जो है ना कालापन, तो बहुत खूबसूरत दिखता है बकरा। व इस्तेहबाबु शहदिल मुदियती अल्लती युज़बहु बिहा, और मुस्तहब है कि काटते वक्त छुरी को सिक्कीन को जो है ना अच्छी तरीके से हाथ तेज़ कर लेना ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। वफ़ी इस्तेहबाबु दुआ बिखौली बिखबूल अधियती का गैरहा मिन आमाली, और दुआ पढ़ना भी मुस्तहब है। पहाद ही अहदा आशर हुक्मन, ये 11 हुक्म हैं, 11 अहकाम हैं। वलहिकमत फ़ी मशरूयत अधियती अत्तक़र्रुब इलल्लाह, और क़ुरबानी करना की हिकमत उसकी जो है ना असल चीज़, उसका असल मकसद क्या है, अल्लाह से क़ुरबत हासिल करना, अल्लाह के पास नेकियों को जो है ना तक़र्रुब इलल्लाह नेकियों का बास बनना, यानी अल्लाह ताला से तक़र्रुब अल्लाह ताला से करीब होता है, क्योंकि अल्लाह ताला नबी सल्लम फरमाते हैं कि ईद के दिन सबसे बेहतरीन काम जो है खून बहाना है अल्लाह की राह में, तो वो खून और गोश्त और हड्डियाँ और तमाम चीज़ अल्लाह को नहीं पहुँचते, लेकिन तुम्हारी नियत और तुम्हारा तखवा और तुम्हारा जो है ना खालिस नियत और तुम्हारा ज़कात और हदियात और लोगों को देना वो पहुँचता है। अलअधिया अत्तक़र्रुब इलल्लाही बिइराक़ी दमी फ़ी हाज़िही अय्यामिल अज़ीमा, इन अजीम अय्याम के अंदर खून के खतरे गिराना जो है ना बहुत ही सवाब की बात है। वह तौसियतु अला अहली, और अपने घर वालों पर जो है ना वसत, और वसत का माने है कि आप दिल खोल के खर्च करना उन पर। वल जीरानी, और अपने आजू बाजू वालों पर। बिन नफ़ख़ती बिल लहमी, उनको जो है ना गोश्त भेज कर अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, 3 दिन जो है ना बहुत ही अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल होता है उससे। फिर अय्यामी मिनस्सना लिअन्नहु लैसा कुल्लु अहदिन, क्योंकि हर एक के पास इस्तेदाद नहीं होती गोश्त खरीद के खाने की। शिरा अल्लहमी फ़ी कुल्ली यौमिन औ बादिल अय्यामी, वहुना मसाइलु अहदुहा अन्नल अधियत खासतुन बी बहीमतिल अनामी, और ये मसाइल जो है ना अधिया जो है कुर्बानी खास बहाइम से है जानवरों की होना। अल इबली वल बकरी वल गनमी, या तो ऊंट की या तो गाय की या तो बकरे की, गनम बोले तो मेंढा बकरा छेला ये तमाम चीज़। अस्सानिया हुक्मुल अधियती सनतुन इंदल जमहूरी, अधिया जो है ना कुर्बानी देना जमहूर उलमा के पास जो है ना सुन्नत है। वह ओजबहा व अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा जो है वाजिब करार दिए हैं। व सयाती फ़ी हदीस्तानी। अस्सालिसु वक्तुल अधियती बाद सलातिल ईदी लि अहलिल अंसारी, ईद की नमाज के फौरन बाद जो है ना तज़िया करना। और युकद्दिरु, और ईद से पहले नहीं करना, क्योंकि नबी सल्लम एक मरतबा ईद की नमाज़ पढ़ के निकल रहे तो बकरी को कटी हुई देखे आप, तो नबी सल्लम बोले जो कोई ये कुर्बानी किया है उसका ये ज़रूरी है कि वो दूसरी कुर्बानी करे, क्योंकि पहले वाले कुर्बानी तो आम हदिया हो गया लोगों के लिए, लेकिन कुर्बानी नहीं हुई, कुर्बानी जो है ना ईद की नमाज़ के बाद ही होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको हदीस पढ़ने की समझने की अमल करने की और सही दावत तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।